आज हम रिव्यू करेंगे मडगांव एक्सप्रेस, जो कि एक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म है स्टारिंग प्रतीक गांधी, देवेदु एंड अविनाश तिवारी। तो बेसिकली शो को देखने ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बट जितने भी आए थे वो सब फिल्म को एंजॉय कर रहे थे। बट ओवरऑल फिल्म कैसी है, आइए बात करते हैं। कहानी है तीन दोस्तों की। चाहो वो बचपन से गोवा जाने का प्लान करते आ रहे हैं, लेकिन उस प्लान को पूरा कभी नहीं कर पाए। पर जब वो बड़े हो जाते हैं तो फाइनली वो एक गोवा ट्रिप प्लान करते हैं और गोवा पहुंच भी जाते हैं। लेकिन इस गोवा जाने में भी बहुत फनी ट्विस्ट है, जिसे देखकर लोग हंस हंस के पागल हो रहे थे। और आपको यह बार बार दिल चाहता है और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म की याद आएगी। एंड लिटरली बहुत से सीन्स में गाने बीच बीच में उन्हीं फिल्म्स के यूज़ किए गए हैं। मूवी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी ग्रिप लेकर चलती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स और कॉमेडी आपको अच्छे से सर्व की जाती है। बट बीच में कुछ एक जगह आपको लगेगा कि ये नहीं होता तो भी चलता। एग्जांपल नोरा फतेही एंड उनके सॉन्ग्स, जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी फिल्म में। और दो कैमियोज है फिल्म में, जो कि आप फिल्म में ही देखना। फिल्म 2.5 घंटे की है एंड ये एक ऐसी फिल्म है जिसे बेसिकली आपको अपने दोस्तों के साथ देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इस फिल्म में कुणाल खेमू का डायरेक्शन है एंड मैं तारीफ करना चाहूँगा उनके डायरेक्शन की। उन्होंने कॉमेडी को क्रिंज नहीं बनाया। इस फिल्म की कॉमेडी आपको फ्रेश लगेगी, थोड़ी बहुत अडल्ट बातें हैं पर आप चाहो तो फैमिली के साथ देख सकते हो। साथ ही में जितने भी साइड एक्टर्स हैं इस फिल्म में, सब ने बढ़िया काम किया है। बाकी जो तीन मेन लीड हैं उनमें से प्रतीक गांधी एंड देवेंदु की केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड नोरा बस सॉन्ग्स के लिए हैं, जिनका होना या ना होना एक ही बराबर है। बहुत दिनों बाद आपको एक फ्रेश कॉमेडी फिल्म देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर हैं, बट ओवरऑल ये आपको एंटरटेन करेगी। और हाँ, फिल्म ख़त्म होते ही मिड क्रेडिट सीन है, जो कि एक कॉमिक एलिमेंट ऐड करता है। एंड उसके बाद एक गाना है, चाहो तो फिल्म ख़त्म होने के बाद रुक कर देख सकते हो। तो ओवरऑल देखते हुए फिल्म हमें एंटरटेन करने में कामयाब होती है। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7 out of 10 stars। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और रिव्यूज़ देखने के लिए।